खासकर हरियाणा में एक कहावत है कि आई तीज बिखेरगी बीज, तो उसका क्या महत्व है, वो क्यों कही जाती है वो बात? नमस्कार, मैं स्वाति नांदल रोहतक मिरर से आज फिर मौजूद हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, किस पर्व को किस तरीके से मनाया जाता था, पूरे साल इस त्यौहार का इंतज़ार क्यों किया जाता था और ये महिलाओं के लिए इतना अहम क्यों है। तो आइए जानते हैं महिलाओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। इस त्यौहार को बेटा इसलिए मनाया जाता है, ये शिव जी ने पार्वती से शादी की थी जब स्वीकार किया था, जब से शुरू हो चुका था ये त्यौहार। और ये त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाती हैं और तीज को सवाड़ी, गुलगुले, पूड़े और कुछ ऐसी मिठाइयाँ बनाती हैं। खासकर हरियाणा में एक कहावत है कि आई तीज बिखेरगी बीज, तो उसका क्या महत्व है, वो क्यों कही जाती है वो बात? तीजों के आने से सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं, तीज आगी बखेरगी बीज, तीज से त्यौहार शुरू हो जाओ हैं, होली तक सारे त्यौहार आते हैं, फिर होली के बाद दोबारा तीज आती है। ऐसा किस लिए होता है कि बीच में जो चार महीने होते हैं उस टाइम पे कोई भी त्यौहार क्यों नहीं आता? इसका देश हो जाती है, फिर देह उठने के बाद फिर त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और इस त्यौहार नहीं सा हो है बेटा, अपने जो घर पर भी उतार ले भाई, गुलगले, पूड़े, पकोड़े और ये सवाली। और बेटा जो कर भाई जो ले कर आवे ना, उसने कोथड़ी बोला ना, हम इसने बाटिया कर आपस में जो कर अपने यारे प्यारे का घर परिवार कर, बाकी जो सीधे बोला ना उनने उनने नहीं बांटते बेटा, इसलिए इसने। आंटी आप बताएं कि जब आपकी कोथड़ी आती थी तो उसमें क्या क्या सामान आता था? उसमें बताशे, शक्कर पारे, बेबे बिस्कुट, मट्ठी, अरे वे सूट आते, चूड़ी, मेहंदी, सारी चीज आती थी। आपको दिन पहले इंतजार शुरू हो जाता था कि मेरा भाई आएगा, चाचा था, भाई आओगा, कोथरी लाओगा, इतना सामान लाओगा, सारी चीज लेकर आता कोथरी में, घेवर, पताशे, सेवाड़ी। तो पहले एक चीज होती थी कि कोथरी आती थी तो मतलब आसपास की औरतों को भी दिखाई जाती थी, इसका क्या कारण था, क्यों दिखाते थे? बाटिया करते, झूल पाटी दिया करते, सारी चीजें आती थी उसमें, जुलिया करते, फिर सारी चीज आती थी। तो आप ये बताएं कि ये त्योहार औरतों के लिए इतना महत्व क्यों रखता है? नए नए कपड़े पहन कर, नई नए चूड़ी, मेहंदी लानती, और आदमी जो लानते उन लंगर पकड़ के, एक नून खड़ा होता, एक नून खड़ा होता, और लुगाई झूल पर बैठ कर और नून 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 खूब घुमाते। इस त्योहार में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, उसके पीछे कोई खास हरियाली का त्यौहार है यो, इसलिए हरे कपड़े पहन रहे हैं, हरी चूड़ी पहन रहे। अच्छा, ये हरियाली का प्रतीक है इसलिए हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हरे कपड़े, ठीक है। हरियाली तीज पे कोई गीत सुना सकते हैं? दे ससुरे समीरी झूल गल, दे ससुरे समीरी गल, दे के बीच बग झूलण एरी जान देरी, ये और नारायण
पेड़ों पर झूले सावन की फुहार। बधाई हो आप सभी को सावन का त्योहार।